भाई आपका स्वागत है। लोग मुझे पूछते हैं साइकोलॉजिस्ट आप हैं, और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क है, तो चलो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त यज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिकल का आदमी होता है, मतलब साइकियाट्रिस्ट जो है वो MBBS की शिक्षा लेने के बाद में आइदर वो डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन मतलब DPM वो करता है, या फिर DPM नहीं करता है तो वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मतलब MD करता है, और वो लोगों को मतलब पेशेंट लोगों को जांच करता है, उनकी मेडिकल कंडीशन की जांच करता है, और उसकी जो बीमारी है वो बीमारी को वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है, और दवाई से वो बीमारी अच्छी करता है, और दवाई के साथ साथ फिर उसको जो भी लगता है साइकोथेरेपी लगती है, काउंसलिंग लगती है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का एजुकेशन उसमें भी हुआ रहता है, वो काउंसलर भी रहता है, वो साइकोथेरेपिस्ट भी रहता है, हिप्नोथेरेपिस्ट भी रहता है, और जो जो मतलब बिहेवियर थेरेपी भी उसको आती है, तो ऐसी साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट जो है उसका भी वो इलाज करता है, और साथ साथ पहले सबसे पहले वो मेडिकल ट्रीटमेंट करके उसका पेशेंट का इलाज करते रहता है, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है वो अपने ब्रेन के जो पैटर्न्स बने हुए वहाँ से होती है। ब्रेन में केमिकल लोचा होता है, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है, और अभी साइंटिफिकली बहुत प्रूव है वो कि वो मेडिकल कंडीशंस जो है वो मेडिकल लोचे से मतलब इम्बैलेंस से होती है, केमिकल लोचे से होती है, और दवाई देते तो वो बैलेंस हो जाता है। दवाई के साथ साथ फिर उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका परसेप्शन, उसके साथ में जो भी उसको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देते हैं तो जल्दी अच्छा हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट ये नॉन मेडिकल पर्सन है, उसके लिए MBBS करने की जरूरत नहीं है, और वो MBBS होता ही नहीं है, वो BA MA इन साइकोलॉजी करता है, और MA करने के बाद में हो सकता है PhD किया, और वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में करता है, मतलब सादी साइकोलॉजी, यदि साइकोलॉजी MA इन साइकोलॉजी होगा तो उसको पेशेंट के साथ में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होगा, मगर MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है या PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मतलब कोई साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी करता है, मतलब पेशेंट के साथ में वो उसने काम किया रहता है, तो फिर पेशेंट को ठीक करने में साइकोथेरेपी देने में साइकोलॉजिस्ट वो काम करता है, और उसके साथ साथ वो कहीं टेस्ट करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, और साइकोलॉजिकल टेस्ट करके पेशेंट की जांच करके मतलब तपास के जांच करके उसका निदान करने में साइकियाट्रिस्ट को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक टीम का हिस्सा है, साइकियाट्रिस्ट को डायग्नोस करने में मदद करता है, और साइकियाट्रिस्ट को साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट जो है बीमारी के उसको ठीक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट मदद करता है। तो बेसिकली ये रखना है कि लोग हमको बोलते हैं हाँ मैं साइकोलॉजिस्ट के पास में गया था और फिर मैंने उनके उनसे इलाज किया, अभी क्यों जाना है डॉक्टर केळकर के पास में। बोला भाई वो साइकोलॉजिस्ट के तरफ आप गए थे, उन्होंने दवाई नहीं दिया। कुछ लोग देते हैं दवाई, साइकोलॉजिस्ट भी देते हैं, कुछ ऐसे मालूम है मुझे कि दवाई देते वो, और वो केमिस्ट उनको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, मगर उनको उसका ज्ञान नहीं है क्योंकि वो बेसिकली मेडिकल के विद्यार्थी नहीं है। तो साइकियाट्रिस्ट मेडिकल का स्टूडेंट रहता है और वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है, उसको मालूम है कि दवाई कौन सी काम करेंगी, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वो शॉक ट्रीटमेंट काम पड़े तो देगा, जो भी ट्रीटमेंट चाहिए मेडिकल की, क्योंकि वो बेसिकली मेडिकल का आदमी रहता है बेसिकली। और क्या है कि काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल इलनेसेस जो है वो मेडिकल कंडीशन से होती है, मतलब उसके पीछे मेडिकल कारण होता है, और मेडिकल कारण यदि डायग्नोज नहीं हुआ तो फिर साइकोलॉजिकल उसका इलाज होगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक मेडिकल कारण है जिसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया। तो कोई भी साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसमें वो व्यक्ति ने पहले साइकियाट्रिस्ट के तरफ जाना जरूरी है और साइकियाट्रिस्ट से इलाज करना जरूरी है। तो ये लोगों को शायद क्लियर हो जाएगा और अपना अपना इलाज साइकियाट्रिस्ट से करेंगे, और साइकियाट्रिस्ट को जरूरत होती है, उसको पड़ती है जरूरत कि नहीं मैंने सपोर्ट लेना चाहिए, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट लेके कुछ टेस्ट करवा के उनका इलाज करता है। फिर साइकियाट्रिक सोशल वर्कर रहता है, तो वो सोशल कॉज जो है साइकियाट्रिक इलनेसेस के वहाँ क्या ऑल्ट्रेशन करना है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, सोशल सपोर्ट उसको क्या चाहिए, तो उसके बारे में उसकी स्टडी रहती है। वो भी नॉन मेडिकल पर्सन रहता है, MBBS नहीं रहता है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, और वो भी एक टीम का हिस्सा होता है और वो साइकियाट्रिस्ट को सपोर्ट करके पेशेंट के ट्रीटमेंट में मदद करता है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, तो यहाँ से आपको क्लियर होंगे। और आप मेरी फिर से रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप साइकियाट्रिस्ट के तरफ जाना है और अपना इलाज चालू करने का है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।